दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। वेल बच्चों, अभी अपन है विलेज पालमपुर में, यानी कि अपना जो चैप्टर चल रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग अभी अपन है विलेज पालमपुर में। अब देखो, ये विलेज पालमपुर जो है, ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसकी हेल्प से हम इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन प्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि पालमपुर में जो प्रोडक्शन होता है, जो एग्रीकल्चर होता है, वो किस तरीके से होता है। ठीक है, सो इसको अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपसे यहाँ पे पूछा जाता है वो ये होता है बच्चों कि भाई प्रोडक्शन क्या होता है। सो प्रोडक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर गुड्स या सर्विसेज बनाई जाती हैं और जिन भी लोगों को इनकी जरूरत होती है उन लोगों तक ये गुड्स और सर्विसेज जो होती है ये पहुंचाई जाती है। ठीक है, सो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल नीड। ठीक है, जिन भी लोगों को जिन भी गुड्स या सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, सो प्रोडक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, वो गुड्स और वो सर्विसेज यहाँ पे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्योंकि अपन पालमपुर में, अपन गांव में है और यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। अब एग्रीकल्चर के अंदर अपन को किन किन चीजों की जरूरत होती है बच्चों, लैंड की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है और ह्यूमन कैपिटल की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर करने का सोच रहे हो तो आपको अगर ये सभी चीजें आपके पास में है तो आपका एग्रीकल्चर यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अब क्योंकि हम कहाँ पे, हम गांव में है तो यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा किस चीज से जुड़े हुए हैं बच्चों, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, है ना। सो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग या तो एग्रीकल्चर करते हैं या फिर एग्रीकल्चर से हट करके जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है वो उस पर रिलाई करते हैं। ठीक है, इसको भी अपन ने काफी अच्छे से समझा था। वेल देखो, अब यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के लिए किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, उसको थोड़ा सा अपन अब डिटेल में समझने वाले हैं। सो देयर आर फोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, प्रोडक्शन के दौरान हमें चार चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसको अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी इसको अपन जानते हैं बच्चों, इसको अपन जानते हैं। ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दीज आर एज फॉलोज। अब इसमें सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं बच्चों, लैंड की बात करते हैं। सो द टर्म लैंड इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। अब यहाँ पे ये जो टर्म हम यूज करते हैं लैंड, इसको हम थोड़ा सा वाइडर सेंस में करते हैं। इट डज नॉट मीन ओनली द सर्फेस ऑफ द सॉइल। अब देखो यहाँ पे है ना, यानी कि जब अपन एग्रीकल्चर पे, जब अपन लैंड की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे एक ऐसे सर्फेस की बात करें जहाँ पे मिट्टी है, नहीं। बट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे लैंड की बात करते हैं जो कि हमारे कल्टिवेशन के लिए या फिर हमारे एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल फेवरेबल होना चाहिए। ठीक है, देखो लैंड तो बहुत से तरीके के होते हैं। कोई उपजाऊ लैंड होता है जिसके अंदर फर्टिलिटी होती है, कोई अनुपजाऊ लैंड होता है जो कि बैरन लैंड जिसे अपन कहते हैं। अब एग्रीकल्चर के लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी भी लैंड पे खेती करने के लिए अपन वी आर केपेबल ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर ऑन एनी ऑफ द लैंड। नो, दिस इज रॉन्ग। हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए जो कि फर्टाइल होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए ये सारी चीजें हमें बिल्कुल टिक मार्क होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं लेबर की। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि लैंड का इंतजाम हमने कर लिया है, अब उस लैंड पे काम कौन करेगा, उस जमीन पे काम करेगा कौन, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, लेबर चाहिए। ठीक है, सो एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहला पिलर हमारा क्या है, जमीन यानी कि लैंड। उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों लेबर की। सो द एग्रीगेट ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स बाय मैन यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो लेबर यहाँ पे किस तरीके से वर्क करती है बच्चों, यहाँ पे फिजिकल वर्क भी करती है और मेंटल वर्क भी करती है। फिजिकल वर्क कैसे करती है यहाँ पे लेबर, भाई फिजिकली जो भी वो काम कर रही है, जैसे कि यहाँ पे सीड्स डालना, उसके बाद में यहाँ पे हल चलाना या ट्रैक्टर चलाना। अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो नई टेक्नोलॉजी के हेल्प से एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना, थ्रेशर्स हो जाती हैं, बहुत सी ऐसी मशीन्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिजिकल वर्क हो रहा है, साथ ही में यहाँ पे मेंटल वर्क भी हो रहा है। ठीक है, सो ये फिजिकल और मेंटल वर्क का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये करता कौन है, ये लेबर करती है। ओके, इज यूज इन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कैपिटल के बारे में। सो बच्चों देखो, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो कोई भी चीज जो कि आदमी ने बनाई है, विच इज मैन मेड, और जो कि हमारे काम को आसान बनाती है। ठीक है, अब हमारे काम को आसान बनाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आप मशीन से बेटर तो आप क्या समझ सकते हो। ठीक है, मशीन क्या है, एक मैन मेड चीज है जो कि हमारे काम को आसान बनाती है, चाहे कोई किसी भी तरीके की मशीन क्यों ना हो। ठीक है, सो कैपिटल एज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन।
कैपिटल मे बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड कैपिटल. कैपिटल को हम और किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं एज अ फिक्स्ड कैपिटल. एग्जाम्पल मशीनरी, टूल्स, रेलवेज, ट्रैक्टर्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा. ठीक है. एंड वर्किंग कैपिटल लाइक रॉ मटेरियल एंड कैश मनी. फिर देखो एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल जिसके अंदर हमने ये सारे एग्जाम्पल्स देखे. फिर हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल. ठीक है. सो वर्किंग कैपिटल जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, कैश मनी हो गया. ठीक है. सो कैश भी एक तरीके का क्या होता है, कैपिटल होता है. ठीक है. कैश के हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, हम ये सारी चीजें खरीद पाते हैं. तो ये हमारे काम को आसान बनाता है. राइट. सो पहले क्या होता था बच्चों की, पहले अगर खेतों में सिंचाई करनी होती थी या कुछ भी काम करना होता तो उसके लिए आदमी काम करता था. ठीक है. अ मैन यूज टू वर्क इन टू द लैंड. लेकिन आज के टाइम में क्या है, अगर सिंचाई करनी है या फिर अगर हल को जोतना है तो उसके लिए ट्रैक्टर्स आ चुके हैं. अब यानी कि मशीन्स आ चुकी हैं हर चीज के लिए और ये क्या करती है, हमारे काम को आसान बनाती हैं. तो ये वर्क करती है एज अ कैपिटल. ठीक है. चलिए अब यहाँ पे जो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, विच इज प्रोडक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ह्यूमन कैपिटल. अब देखो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, एक फिजिकल कैपिटल हम समझ चुके हैं. ठीक है. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो कि किस तरीके से वर्क करता है, स्किल्स के बेसिस पे, ठीक है, नॉलेज के बेसिस पे एंड अबिलिटी के बेसिस पे. देखो ह्यूमंस के अंदर जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी, जितनी ज्यादा वो इनके अंदर अबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, उतना ज्यादा वो अपने काम को क्या कर पाएंगे, आसान बना पाएंगे. करेक्ट. सो ह्यूमन कैपिटल यानी कि नॉलेज एंड एंटरप्राइज. सो ह्यूमन कैपिटल इज अ मेजर ऑफ स्किल्स, एडुकेशन, कैपेसिटी एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ लेबर विच इन्फ्लुएंस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल. सो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें अगर मिल जाती हैं, अगर यहाँ पे जो हमारी लेबर है या फिर जो भी हमारा प्रोड्यूसर है, अगर उसके अंदर स्किल्स हैं, अगर वो पढ़ा लिखा है, मतलब एडुकेटेड है, अगर उसके अंदर कैपेसिटी है, ठीक है, किसी भी काम को करने की, अगर उसके अंदर एबिलिटीज है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स यहाँ पे वो अर्न कर सकता है. उसके अंदर यानी कि पोटेंशियल काफी ज्यादा है. ठीक है. सो प्रोडक्शन के अंदर ये चार ऑर्गेनाइजेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है लैंड, लेबर, देन कैपिटल एंड देन ह्यूमन कैपिटल. ओके. सो आई होप कि यहाँ पे ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. प्रोडक्शन के अंदर हम बस इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम प्रोडक्शन को काफी डेप्थ में पढ़ेंगे. ठीक है. सो बच्चों अभी के लिए इतना ही. अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.